नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, हम सभी को पता है आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली न्यूनतम वेतन मैटर के केस की सुनवाई होनी थी और इसके लिए काफ़ी लोगों का अभी तक मैसेज आ चुका है, कमेंट्स आ चुका है कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। हम आज इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसमें फर्दर क्या कोई ऑर्डर आया या फिर से एक डेट मिला, इन सभी बातों की जानकारी लेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि हम आपसे संबंधित जो भी वीडियो इस पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जो सुनवाई होनी थी कोर्ट नंबर 7 में और आइटम नंबर 8, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आइटम नंबर 8 हमारा शो कर रहा है और आइटम नंबर 8 होने से सुनवाई होने की संभावना बढ़ जाती थी। आज सुबह 11 बजे तक कोर्ट नंबर 7 में 6 मैटर की सुनवाई हो चुकी थी और वह 7वें मैटर की सुनवाई शुरू हुई थी। तो हमें उम्मीद थी कि इसकी सुनवाई ख़त्म होते ही 8वें नंबर, जो कि दिल्ली न्यूनतम वेतन मैटर का लगा हुआ था, उसकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन संयोग देखिए, पूरे दिन तक 7वां नंबर ही शो करता रहा, यानी कि 7वें नंबर की ही सुनवाई होती रही और फिर से समय समाप्त हो गया और आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में अब आपका सवाल होगा कि अब सुनवाई कब होगी। तो अभी जो हमने चेक किया है उसके हिसाब से जो अगली सुनवाई होनी है वो 4/9/2019 को, यानी कि इसी बुधवार को सुनवाई का डेट अभी शो कर रहा है। अगर उस दिन सुनवाई हो जाती है तो जो भी जानकारी निकल के आएगी हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। कई लोगों का सवाल ये भी आता है कि इस तरह से बार बार डेट मिलने से हमें परेशानी हो रही है, कब तक इसका फैसला आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि अभी कम से कम आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत है और राहत इसीलिए है कि जो 37% दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया था, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब पहले ही डेट की सुनवाई हुई थी उसी समय आपको राहत देते हुए जो सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था उसको रिइंस्टेट कर दिया गया। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इसीलिए आ रही होगी क्योंकि सरकार ने VDA यानी कि महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। अब इसके बाद जो ऑर्डर क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों पक्षों के तरफ से जो तथ्य पेश किए जाएंगे जज साहब उसी के ऊपर फैसला देंगे। तो अभी कम से कम 14,000 रुपया अनस्किल्ड का जो सैलरी है पूरे दिल्ली के लिए है, चाहे आप किसी होटल में काम करते हों, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हों, किसी संस्थान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते हो, तो कम से कम अनस्किल्ड का 14,000 रुपया है जब तक फर्दर कोई ऑर्डर नहीं आता या फर्दर कोई सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते का या कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। तो ऐसे में एक और सवाल ये आता है कि कई लोग कहते हैं कि आप गलत बता रहे हैं, इतना तो हमें मिलता नहीं। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला था 1 नवंबर 2018 को, अगर आपके पास नहीं है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने विभाग से मांग कर सकते हैं। अभी कम से कम इतना है, अगर आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से उतना पैसा नहीं दिया जाता है तो आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं और लिखित शिकायत करेंगे तभी आपको मिल पाएगा। जैसा कि अप्रैल 2019 का जो VDA है नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा रोका हुआ है, उसके बाद अभी अक्टूबर का भी आने वाला है, तो ऐसे में इस परिस्थिति में हम क्या क्या कर सकते हैं आप अपना सुझाव नीचे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि हम उस तरह से कुछ करें जो सरकार को हमारी आवाज़ पहुंचे। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, तो ऐसे में हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि न कोर्ट के तरफ से रोक है VDA के लिए और न ही कहीं कुछ है। और आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप सवाल लिखें तो कृपया पूरा वीडियो देख करके लिखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वीडियो देखते ही नहीं हैं और जिस इन्फॉर्मेशन का सवाल करते हैं वो ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ रहता है। और वीडियो इसीलिए बनाना पड़ता है या इतना लंबा पोस्ट इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि आपके सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना होगा और समय निकाल करके वीडियो भी देखना होगा। और जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो नीचे अगर कोई डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, तो उसका एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।